तो अब दोस्तों इसका काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसे पूरी तरह जो है जैसे कंपनी बंद करती है वैसे बंद कर दिया है इसको चारों तरफ से। इसके सारे पेज मैंने स्क्रू टाइट कर दिए। तो चलिए सारे जानवर आए हैं तो उन सब की बात ही कर ली जाए, लेकिन ऐसे गाने जो आमतौर पर आपको सुनाई नहीं देते उनको शामिल करने की कोशिश की जाए। साथ में कुछ लोकप्रिय गाने भी, बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से उनके अपने अनुभव भी हैं, और इसके साथ साथ रुपेले पर्दे पर जो जानवर नजर आए हैं उनके बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी तरह से अपनी बात लिखी है। तो जाहिर है कि हम सभी श्रोताओं के कमेंट्स को शामिल करने की कोशिश करेंगे, आएंगी कुछ दिलचस्प पहेलियां। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। इस गाने के जरिए आपको बताना है फिल्म का नाम और साथ में ये भी कि रुपहले पर्दे पर है कौन सी हीरोइन। तो दोस्तों अभी तक जो आप वो सॉन्ग सुन रहे थे वो FM का स्टेशन था, FM रेडियो। जबकि आप जानते हैं ये मॉडल 1980 के दशक का है। जो ऐसा है इसका मॉडल नंबर है नेशनल पैनासोनिक 1650T। तो आप सब जानते हैं दोस्तों इस मॉडल में जो है FM नहीं होता है। कंपनी में ने इसमें जो FM नहीं दिया था FM का ऑप्शन, तो इसमें सिर्फ 3 बैंड का रेडियो हुआ करता था, जो कि मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2। तो मैंने क्या किया है दोस्तों अपने वाले सेट पे, तो मैंने एक ये FM की जो है ये छोटी सी किट खरीदी, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये छोटी सी किट, इसमें ट्विनर तो नहीं होता दोस्तों, इसमें ट्विन इन्हीं इससे हो जाता है ट्विन। ये जो ये छोटी छोटी जो ये लगी हुई है, क्या बोलते हैं इसको, ये टीमर बोलते हैं दोस्तों, ये टीमर। तो इसमें जो है छोटे से पेचकस से इनको घुमाया जाता है। एक एक से जो है आप स्टेशन सर्च कर सकते हैं और दूसरे से थोड़ा फाइन ट्विनिंग कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा सराट ज़्यादा हो तो उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये लगाना दोस्तों अपने सेट पर बहुत ही आसान है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता लगाना हूँ। बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। इसमें से सिर्फ 4 तारें निकलती है दोस्तों, जो कि मैं आपको बता दूँ। तो 4 तारों में दोस्तों क्या है, ये अर्थिंग है, अर्थिंग, ये ब्लैक वाली अर्थिंग है, और ये जो लाल वाली है ये सप्लाई की वायर है, सप्लाई सप्लाई पॉजिटिव लाइन है। ये आपका जो स्टेप रिकॉर्डर में जो ये, क्योंकि ये 9 वोल्ट का है तो ये उसका है। और ये पीले वाला जो है ये दोस्तों ये साउंड का है, जो इस किट में से साउंड निकलेगा बाहर। ये पीले वाला जो है आप सीधा मैंने दिया है वॉल्यूम पर, यहाँ देख सकते हैं आप, क्योंकि ये रहा इसका ये स्लाइडिंग वॉल्यूम, ये है इसका वॉल्यूम। तो इसके एक जहाँ पर आवाज़ दी जाती है इसमें भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें एक अर्थिंग जाती है, एक हमिंग जाती है और एक जो है आवाज़ जाती है। तो आवाज़ वाली जगह पे जो है इसकी आवाज़ की लाइन ये पीली वाली आपने इस वॉल्यूम में जोड़ देना, तो वॉल्यूम भी कंट्रोल करेगा, सब करेगा। लेकिन इस किट को अब आप इसमें ऑन ऑफ कैसे करेंगे, तो वो है दोस्तों। जैसे अगर आप इसमें टैप सेलेक्ट करते हैं, टैप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ही आप जो है इस रेडियो को बजा सकते हो, FM को।
अगर आप रेडियो में करके बजाओगे तो आवाज़ साफ़ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इसे टेप पे सिलेक्ट करके जो है करने के बाद जो है फिर मैं ये यहाँ पर एक स्विच लगाया मैंने पीछे बैक साइड में, देखिए इसको ऑन कर देता हूँ। तो कहने का मतलब है दोस्तों, मैं जब हम टेप रिकॉर्डर पर सेलेक्ट करके जब हम प्ले का बटन दबाते हैं तो आमतौर पर टेप रिकॉर्डर ही चलता है। तो इसमें मैंने क्या सेटिंग की है दोस्तों, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी सेटिंग नहीं है, मामूली सी सेटिंग है। तो जब हम टेप रिकॉर्डर में प्ले करते हैं तो टेप रिकॉर्डर के पूरे सर्किट में जो है वो जो है सप्लाई जाती है, तो उस सप्लाई को परमानेंट जोड़ देना है, क्योंकि पहले इसमें ऐसा होता है जब हम प्ले करते हैं तो ये इसके बैक साइड में दो चिमटी होती है, वो चिमटी जब प्ले करने पर जुड़ती हैं तो फिर उसके सर्किट में करंट जाता है, तो उसको आपने डायरेक्ट कर देना। और जो मोटर की वायर आ रही है, ठीक है दोस्तों समझ लो, मोटर की वायर जहाँ से आ रही है, मोटर मोटर को जहाँ से प्लस करंट आ रहा है, तो उस करंट को जो है फिर आपने उस चिमटी पर जोड़ देना, जो पीछे जो चिमटी लगी होती है जब हम प्ले दबाते हैं तो चिमटी आपस में ऐसे जुड़ जाती है और जो है फिर करंट आगे छोड़ती है। तो मैंने ये किया है, तो मोटर को जो है मैंने चिमटी से कनेक्ट कर दिया और जो सर्किट का जो सप्लाई थी वो मैंने डायरेक्ट कर दी। तो उससे क्या हो गया दोस्तों, तो जब आप प्ले नहीं भी करेंगे तो बस आपने इसको टेप पर सेलेक्ट करना और उसके बाद पीछे से ये स्विच ऑन कर देना, ये स्विच, तो क्या होगा आपका ये किट ऑन हो जाएगा और FM बजने लगेगा और आपका टेप रिकॉर्डर भी शांत रहेगा। इसमें कोई आपको कैसेट लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जब आपने टेप रिकॉर्डर सुनना है तो आपने क्या करना, तो यहाँ से जो ये स्विच है इसको ऑफ कर देना ऐसे, सॉरी ऐसे यहाँ से जो है ऑफ कर दो, आपका रेडियो बंद हो जाएगा, किट आपकी बंद हो जाएगी और जो है आप कोई भी कैसेट जो है इसमें फिर आप बजा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। आपने अगर रेडियो सुनना है तो नॉर्मली आप FM को जो है बंद कर दो आप पीछे से, और यहाँ से जो जब आप रेडियो पर करेंगे तो ये सारा काम करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, ये तो मैं सिर्फ बता रहा था आपको, तो मैं आगे दिखाऊंगा अभी। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, तो सप्लाई मैंने कैसे दी है मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए ये जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर, ये अर्थिंग तो मैंने स्पीकर से दी, क्योंकि स्पीकर में भी एक अर्थिंग आती है, एक आवाज़ की होती है। और जो प्लस है, जो मेन करंट होता है, उसकी सप्लाई मैंने डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफार्मर से दी है। ट्रांसफार्मर का जो किट होता है यहाँ से जहाँ से टेप रिकॉर्डर को सप्लाई जाता है 9 वोल्ट, तो एक तार मैंने यहाँ से दी है ये, तो बस उसमें जो है मैंने कट लगाया, उसमें स्विच लगा दिया है। देखिए बैक साइड में ये स्विच इस वायर से जो है जुड़ा हुआ है, करंट को जो है जब आपने इसमें कुछ और सुनना है, टेप सुनना है या इसका रेडियो सुनना है, तो फिर आपको जो है पीछे से वो लाल बटन कट कर देना, ये आपका जो है ये किट जो है ये बंद हो जाएगी। तो फिर आप आराम से इसमें टेप चलाओ, रेडियो चलाओ, जो मर्जी चलाओ। और जब आपने FM बजाना है तो बस इतना करना है, आपने इसे टेप पर सेलेक्ट करना है और पीछे से जो है ऑन कर देना है, आपका FM जो है बिल्कुल चल पड़ेगा। तो ऐसा है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसका काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसे पूरी तरह जो है जैसे कंपनी बंद करती है वैसे बंद कर दिया इसको चारों तरफ से, इसके सारे पेच मैंने स्क्रू टाइट कर दिए। तो चलिए जो मैंने इसमें FM लगाया था ये उसकी तार है, ये तार मैंने थोड़ी सी ये देखिए यहाँ से निकाली है बाहर, वो छोटी सी किट की, और ये FM का स्विच है, ये जैसे आप ऊपर कर देंगे तो रेडियो चल पड़ेगा, ये देखिए FM चल पड़ेगा, ये देखिए।
देखिए, अब आपको अगर इसका रेडियो सुनना है तो आपको क्या करना है, इसको आपने रेडियो पे करना है। ये देखिए, ये रेडियो पे, और इसके बैंड ये है, ये मीडियम वेव। ये मीडियम वेव हमारे यहाँ आता नहीं है, और शॉर्ट वेव हमारे यहाँ सिर्फ शॉर्ट वेव 2 आता है। तो शॉर्ट वेव 2 के मैं आपको कुछ सर्चिंग दिखा देता हूँ। अभी थोड़े कम कम शम ही आ रहे हैं दोस्तों सिग्नल, लेकिन पकड़ता बहुत अच्छा, क्लियर है ये। ये शॉर्ट वेव का है, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, इस वजह से जो है बाकी स्टेशन नहीं आ रहे हैं। अब हमने रेडियो नहीं सुनना है, एफएम सुनना है, तो आप फिर से स्विच ऑन कर दो। ये देखो, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो है इधर हिमाचल वाला जो है ये गाने चल रहे हैं, क्योंकि हिमाचल का एफएम अलग है, तो हमारे यहाँ जो है दो ही चैनल आते हैं, तो जिसमें से वो एक चैनल था एफएम। तो चलिए, अब चलिए मैं अपने, अपनी लाइटें फिर से जला लेता हूँ, क्योंकि रेडियो के लिए मुझे लाइट ज़रा बंद रखने पड़ते हैं। तो चलिए, मैं अब इसमें दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें ये देखिए, मैं आपको इसका फॉरवर्ड चेक करके बताऊँगा। ये देखिए, फॉरवर्ड ये घूम रहा है, फॉरवर्ड ये घूम रहा है, और रिवाइंड ये देखिए, ये देखिए, मैंने रिवाइंड दबाया तो इसका रिवाइंड भी चल रहा है बराबर। ये देखिए, तो अब हम इसमें कैसेट चला के देखते हैं कैसेट की आवाज़ कैसी आती है। क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट का इशू आ जाएगा अगर मैं ज़्यादा लंबा चलाऊंगा, तो आपने देखना है इसका काउंटर चल रहा है नहीं चल रहा है, देखा ना, ये कंप्लीट चल रहा है ये। तो अब हम कैसेट को फॉरवर्ड करके देखते हैं। ये देखिए, आवाज़ आ रही है आपको। ये देखिए, काउंटर भी बहुत फास्ट जा रहा है। अब रिवाइंड करता हूँ मैं इसको, रिवाइंड जो है दोस्तों थोड़ी कैसेट साइड टाइट है, तो उस वजह से ये देखिए अब हो रही है, रिवाइंड भी हो रही है। देखिए रिवाइंड रिवाइंड, ये देखिए कैसेट ख़त्म हो गई। तो थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड करता हूँ, प्ले। तो ये दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें 3 बैंड का ही रेडियो था, जो जिसमें मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो है इसमें एफएम लगाया है, तो आप एफएम भी देख सकते हैं कैसा बढ़िया वर्क कर रहा है। तो आप चाहे तो आप अपना भी सेट ऐसा बना सकते हैं दोस्तों। तो वैसे तो दोस्तों ये सेट मुझे जो है सेल करना है, तो क्योंकि दोस्तों अब आप जानते ही हैं, अगर सॉन्ग चलाऊंगा ज़्यादा
तो फिर कॉपीराइट हो जाता है, इस वजह से नहीं चला रहा हूँ। ये देखिए ये FM है, FM का स्विच है, ये देखिए। बाकी सब कुछ दोस्तों बहुत बढ़िया है इसमें, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये नेशनल पैनासोनिक का 1650T मॉडल है ये। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।